आडवाणी उन निर्देशकों में से हैं जो अच्छी भली कहानी को खराब तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनकी इस काबिलियत पर किसी को शक नहीं है कि चांदनी चौक टू चाइना, सलाम ए इश्क, पटियाला हाउस जैसी फ्लॉप फिल्मों के बावजूद उन्हें अवसर मिले जा रहे हैं। पिछले सप्ताह हीरो जैसी घटिया फिल्म के बाद यह बंदा कट्टी बट्टी के साथ इस हफ्ते फिर हाजिर है। कट्टी बट्टी के रूप में एक और पकाऊ उबाऊ फिल्म उन्होंने पेश की है। माधव काबरा उर्फ मेडी का पायल से ब्रेकअप हो गया है। पिछले 5 वर्षों से वे लिव इन रिलेशनशिप में थे। पायल के प्यार में मेडी पागल है, तो दूसरी ओर पायल के लिए यह महज टाइम पास है। ब्रेकअप से हुए डिप्रेशन में वह गलती से शराब की जगह फिनाइल पी लेता है। उसके दोस्त और बहन ये मानते हैं कि मेडी ने आत्महत्या की कोशिश की है। वे पायल को भूलने की सलाह देते हैं। बीच बीच में कहानी पीछे की ओर जाती है कि कैसे पायल और मेडी की मुलाकात हुई थी, कैसे दोनों साथ रहने लगे थे। इसी बीच मेडी को पता चलता है कि पायल अपने एक्स बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली है। वह मुंबई से दिल्ली जाता है ताकि पायल से पूछ सके कि ब्रेकअप की वजह क्या है। फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत ही कमजोर है और हैरानी की बात तो ये है कि इस पर फिल्म बनाना कैसे मंजूर कर लिया गया। मेडी और पायल की पहली मुलाकात, फिर दोनों का साथ रहने का फैसला, ये सब कुछ इतना जल्दबाजी में दिखाया गया है कि यकीन करना मुश्किल होता है। शराब पीने वाला हीरो, टैटू वाली हीरोइन, दोनों सेक्स के लिए आतुर, बढ़िया सेट्स के जरिए लेखक और निर्देशक ने फिल्म को कूल और यूथफुल बनाने की कोशिश की है, लेकिन इन सब बातों के बीच जो ड्रामा दिखाया गया है वह निहायत ही उबाऊ है। पहला हाफ इतना बोर है कि आपको नींद आ सकती है या फिर आप थिएटर से बाहर निकलने का फैसला कर सकते हैं। इंटरवल के बाद भी फिल्म में कोई सुधार नजर नहीं आता। मुंह में पान रखकर हाना में जवाब देना, एक बेवकूफ किस्म के बॉस का अपने वर्कर के साथ स्टेचू खेलना, ऑफिस में मेडी और उसके दोस्त का आपस में फाइट करना, फ्रस्ट्रेटेड वन साइडेड लवर्स एसोसिएशन, फोसला नामक बैंड का पायल की शादी में पहुंचकर उटपटांग हरकत करने जैसी बातों में मनोरंजन ढूंढना बेवकूफी है। फिल्म के अंत में एक इमोशनल ट्विस्ट दिया गया है जो अपील करता है, लेकिन इसमें बहुत देर कर दी गई है। तब तक फिल्म में आपकी रुचि खत्म हो जाती है। यह ट्विस्ट पहले दिया गया होता तो निश्चित रूप से फिल्म बेहतर बन सकती थी। निखिल आडवाणी ने कमजोर स्क्रिप्ट चुनी है और उनका निर्देशन भी सतही है। वे तकनीकी रूप से तो मजबूत है, लेकिन कहानी कहने का तरीका उन्हें सीखना होगा। शंकर अहसान लॉय द्वारा संगीतबद्ध सरफिरा, लिप टू लिप और 100 आंसू सुनने लायक हैं, लेकिन फिल्म देखते समय ये गाने अखरते हैं। संवाद औसत दर्जे के हैं। इमरान खान एक जैसा अभिनय करते आए हैं और कट्टी बट्टी में भी वे उसी अंदाज में दिखाई दिए। उनके पास लिमिटेड एक्सप्रेशंस हैं और उसी के जरिए वे काम चलाते हैं। कंगना रनौत का रोल बहुत बड़ा नहीं है और फिल्म के अधिकांश हिस्से से वे गायब हैं। इमरान की तुलना में उनका अभिनय बेहतर रहा है। कुल मिलाकर कट्टी बट्टी एक उबाऊ फिल्म है और इससे कट्टी करने में ही भलाई है। इस फिल्म को मैं 5 में से 1.5 स्टार देता हूँ।